वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा क्लियर आ रहा है क्या? ये रूम में ना मैं कभी वीडियो शूट ही नहीं करती क्योंकि ना इसमें अच्छा ही नहीं आता वीडियो। तो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए जाना है। व्हाइट बिल्कुल, क्या कैसा लग रहा है? व्हाइट एंजल आसमान से अभी अभी उड़ के धरती में आई, ऐसा नहीं लग रहा है? तो अभी मैं तुझे एक छूट देती हूँ, मेरे इस वाले मतलब यहाँ पे जो भी मेरा कपड़ा है उसमें से तू एक दो कपड़ा उठा सकती है अपने लिए, ठीक है? एक दो कपड़ा उठा सकती है और सूर एक से भी तो एक दो चीज मेरा ले सक, एक चीज, एक जोड़ा चीज ले। परमानेंट? हाँ परमानेंट, ये वाला। हाँ ये मैंने ट्राई भी किया था ना। तो गाइस मैंने तो पूजा का पूरा छूट दिया था, मेरा महंगा महंगा जूता एक भी ले, एक जोड़ी भी ले सक सकते। पहले जब पूजा का साइज मेरे से एक साइज बड़ा है, ठीक है, पैर का, तो पहले जब उसको नहीं होता था फिर भी जबरदस्ती पहन के मेरा एक जूता था उसने टूटा भी दिया था ना, जूता चप्पल ऐसे टूटने, जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये लगाती थी। अभी मैंने बोला एक ले जाओ, अभी नहीं लेके जा रही है। देखो मेरा न्यू टी शर्ट लेके जा रही है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब चूज करने का बोला, ऐसा नहीं है कि दीदी ने ये तो एक दो बार पहना है ये लेके जाती हूँ, ऐसा नहीं, नहीं, रुको मैं बोलूंगी, नहीं मैं नहीं लूंगी क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत न्यू है तो मैं नहीं लूंगी। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, दीदी इतना चीटिंग करती है। मैंने बस उन्होंने बोला कि तुझको जो लेना दो सेट ले ले, मैंने बस एक ही शर्ट लिया और उन्होंने बोला कि शूज बस इतना ही है, बाहर है, बाहर तो मैंने देख लिया था ऑलरेडी। इतना अच्छा शूज देखो, यहाँ पे छुपा के रखा था, यहाँ पे बॉक्स में ये भी बोला था पर नहीं, नहीं आपने बॉक्स में नहीं बोला, बोला था। तो तुझे क्या लगता है वो बॉक्स मैंने देखा नहीं मैंने रखा है, उसके अंदर पूरा जूता भर के रखा है मैंने। ना ये सब चीजें नहीं होता है यार, आप चीटिंग करते हो। पर गर्मी है ना और धूप भी बहुत है भाई, बहुत आँख खोलने में बहुत मुश्किल होता है ऐसा वाला, हमारा तो आँख इतना छोटा है ना, धूप में अगर मैं कैमरा निकालूंगी ना व्लॉग करने के लिए तो आज का मेरा व्हाट्सएप दिखा दो ना। और मैं प्रिंसेस छतरी भी दिखा रही जो मेरे मम्मी ने खरीदी थी, वो उधर घूमो जस्सी जैसी कोई नहीं। ओ हाँ उन्होंने स्लीपर छोड़ के जूता लगा लिया है। अरे ना ना कैसे छतरी ओढ़ रहे हो आप, यामिनी दीदी भी आ चुकी है अभी। अरे कि तुम वाला फिर उठा था ये तो ये कौन है, ओरे कौन है को ठाते है ना गर्मी में। ये टी-शर्ट है ना, तो इधर वाले ये वाले सब से पूरा का पूरा 1000 में एक सैंडल खरीद दिया। अब यहाँ पे क्रॉक्स लेना है इसको, बोलो कुछ ये जो तुम किस वाले तो बैग में हो सकते ही। अरे वो हाल दिनों मेरे रात भारी भाई का पान दिन तो आ को थियो पूजा को लागी चप्पल किनु ओ कसले किने लास्मा मैले दामी सन्तरा 300 रुपैया किनेको टक रखै यो त फ्याक्ट्रीमा आको है यो के भन्छ नानाको चाहिँ आज पुरा स्टाइल भयो जहाँ त के लाएर गएको थियो जुत्ताहरू हेर्नु ज्यादा जुत्ता लगाएर गएको आउँदाखेरि जुत्ता पनि खोलेर ब्यागमा हो सर्ट पनि खोले ये ब्लग मैंने कल स्टार्ट किया था ना तो दिल्ली में नहीं अभी पूरी इंडिया में इतना ज़्यादा गर्मी है सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स दिल्ली में इतना गर्मी है मुझे ना ऐसे आज ना मतलब कल से इतना रोने का मन कर रहा है क्योंकि देखो इतना ज़्यादा गर्मी है और मजदूर लोग जो ऐसे धूप में बाहर जाके काम करना पड़ता है लाइक ड्राइवर ऑटो ड्राइवर क्योंकि मैं जब ऑटो में बैठती हूँ ना मैं 2-3 दिन पहले ऑटो में बैठा था इतना वो हीट जो ज़मीन से हीट आता है ना वो हीट जो फेस पे आके रिफ्लेक्ट होता है बहुत भयंकर था तो अभी तो ऑटो में बिल्कुल भी दिल्ली में ऑटो में नहीं चल सकते चाहे दिन हो चाहे रात हो
तो ऐसे काम करने वाले और हमको भी काम करना होता है, तो मुझे भी वीडियो बनाने के लिए बाहर निकलना होता है और इधर उधर जाना होता है किसी काम के लिए। तो ना मैं मुश्किल से ऐसे मन बनाती हूँ कि चलो करना है काम तो करना है, या जो भी वो होता है ना बाहर जो भी काम करते हैं वो लोग, अगर आप लोग एक बॉटल ठंडा पानी भी पिला सकोगे ना तो भी अभी के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ होगा, बहुत बड़ा पुण्य कमा लोगे आप, क्योंकि इतना गर्मी है ना। वो लोग जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गया और जो कि मैंने बोला ड्राइवर हो गए, मजदूर हो गए, तो अगर हम लोग ऑटो में चल रहे हैं तो ऑटो में ना मतलब 20-30 रुपये आप ज़्यादा ही दोगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हीट वेव, अभी ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा हीट वेव आता है ना ज़मीन से, तो ऑटो में बैठ ही नहीं सकते अभी, तो बस कैब में ही बैठना होता है। तो मैं भी 3-4 दिन पहले तक मैं ऑटो में बैठ रही थी, उस दिन मुझे इतना वो रिग्रेट हुआ कि मैं ऑटो में क्यों बैठा था, तब जाके ऐसे मतलब रियलाइज भी हुआ कि वो लोग कितना मेहनत कर रहा है। तो गाइस मैं आज बना रही हूँ D10, क्या बोलते हैं इसको, D10 पैक। तो इसमें रुको मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, कितना काला काला है, देखो 2 दिन में इतना काला काला हो गया है, मतलब धूप ही इतना ज़्यादा है तो अब काला क्यों नहीं हो गया। मैं तो यहाँ दिल्ली आके काली हो चुकी हूँ पूरा, अपना जो भी है ताम झाम निकाल देते। ये गली में गाड़ी कभी फ्लाइट ऊपर से गए, कभी गाड़ी गए, वो कभी भी शांति नहीं होता। जब भी वीडियो करने के लिए कैमरा ऑन करो तो इतना आवाज़ आता है ना पीछे से। गाइस अभी मैं D10 पैक बना रही हूँ, ये ना बहुत अच्छे से काम करता है, मैं कभी कभी कर लेती हूँ। तो इसमें पहले थोड़ा सा बेसन और हल्दी लिया है मैंने, क्योंकि ना आज मैं ना ये बस फेस पे ही नहीं हाथ पैर सब में लगाऊंगी गाइस, बहुत काला हो गया है। तो अभी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ बाहर, तो पूरा काला काला है, बस स्वेटर नहीं है अभी। सो गाइस आप सबको फिर से वेलकम है हमारे डे टू व्लॉग में। कल का व्लॉग आधा ही हो पाया था क्योंकि पहले बोल दिया तो, अच्छा फिर भी मैं बोल देती हूँ ना, क्योंकि बहुत गर्मी थी, कल थोड़ा काम भी था, उनको जिम भी जाना था, तो आज जा रहे हैं हम लोग जुडियो, क्योंकि दुबई तो जाना है तो दुबई के लिए शॉपिंग भी तो करना है ना बेबी गर्ल। और हमारी हीरोइन को देख सकते हैं आज का उनका आउटफिट, पूजा आ रही है, वो नो आंटी सा कि हम रेडी हो चुके हैं अभी, आज आता बेगला की मर्सिडीज ले रही हूं, हम अगाड़ी सीट में बोतल आ रही ना मैंने, पानी की बोतल, ये ओटीपी दी रहा है, निकल चुके हैं। और आज कितना है यहाँ दिल्ली का टेम्परेचर दिखाना है मैंने, यहाँ पे देखना तेरा स्मार्ट वॉच, मैंने इसमें कनेक्ट नहीं किया, बेकार छ तेरी 10,000 को वॉच लाउनु चाहिँ, 10,000 को वॉच है ना अहिलेसम्म उयो कनेक्ट गरेको छैन रे। यहाँ का नजर देख सकते हैं आप, हमारे गुड़गांव को यहाँ मिनी मिनी अब हमी अब दुबई लास्ट यहाँ मिनी दुबई घूमना गुड़गांव को गाइस अभी अभी हम जस्ट गुड़गांव पहुंचे, इतना कितना 17 किलोमीटर थोड़ा छाता छतरी, हम लोग ना कितना महिपालपुर से यहां तक आने में 17 किलोमीटर लगा, और उसके बाद यहां आने के बाद पता चला आज वोट है, और मतलब वोट तो ये पता था पर मॉल बंद होता है ये पता नहीं था, तो बोलता है अभी 6 बजे खोलेगा, 6 बजे तक क्या करेंगे। देखो हम रास्ते में ऐसे चल रहे हैं, नीचे जमीन से वो हीट वेव भाव इस तो आउँदै छ अनुहारमा झ्याम झ्याम अलिकति ले लो जाता। अभी तुम लोगों को बाहर जब हम निकले थे रोड में थोड़ी देर के लिए, कैसा फील हो रहा था वो गर्मी में, किस तरह का फील हो रहा था? चुप्पी, गर्मी का मौसम आया नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, हम लोग वहाँ पे एक जहाँ पे छाव था ना, ट्रीज थे उसके नीचे रुके थे, वो बार बार हवा आ रहा था, तो वो हवा ना गर्म हवा इतना वो वेव लेके आ रहा था, हॉट वेव लेके आ रहा था, और क्या बोलते हैं ऐसे
मतलब हवा नहीं चाहिए, इससे अच्छा धूप में बैठूंगी, ऐसे ऐसे हो गया था। मतलब अभी गर्मी में बाहर निकलते हम जो हवा आता है ना वो इतना गर्म हवा आ रहा है, इससे अच्छा हवा ना आए तो वही अच्छा, ऐसे हो गया था। तो भाई साहब हम लोग अभी अभी तक घर से जब से निकले तो अभी तक हम लोग गाड़ी में 3 घंटे से ज्यादा, ठीक है, आज घर से जल्दी निकले थे, 1:30 के निकले थे, तो 3-3.5 घंटे से हम बस गाड़ी में घूम रहे हैं। पहले हम जब दिखाया था उसके बाद हम एक गाड़ी में फिर मेट्रो तक आए थे, उसके बाद फिर अब दूसरे गाड़ी में दिल्ली जा रहे हैं। तो भाई घर वापस आ गए, कब का आ गई थी, तो अभी जिम जाने के लिए ऐसे ड्रेस चेंज कर ली हूँ। पूजा गई है मनी एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि अभी ना दुबई वालों ने एक टर्म्स एंड कंडीशंस रख दिए कि जो भी मतलब जो भी हम लोग जो टूरिस्ट वीज़ा लेके जा रहे हैं उन लोगों को कंपलसरी अभी मतलब हम लोग अगर जा रहे तो हमारे पास आफ्टर 1 month का रिटर्न टिकट्स और हमारे पास 3000 dirhams कैश लेके जाना ही है दुबई, नहीं तो वो लोग जाने नहीं दे रहा है या कुछ कर रहा है वो पता नहीं, वहीं जाके पता चलेगा। लेकिन हमको इतना पैसे लेके जाना है, मतलब इंडियन रुपीज 70,000 के आसपास आपको आपके पास होना ही है कैश पैसे। तो अहिले चाहिँ हम जिम आइसकेको छ हो, अन्त जहिले पनि म जिम बाहिरबाट भित्र पस्दै गरेको बनाउँ भन्छु कि बिर्सी जान्छु होइन, अनि आज चाहिँ कति मुस्किलले हो, मलाई पुरा सरम लाग्छ नि त मान्छेसँग है, हामीलाई पुरा सरम लाग्छ, पुरा सहन लाग्छ त्यही भएर यसै गरेर यसै गरेर। ये मेरे दोस्त लोग दीपिका। तो अभी जाके पैकिङ हो रहा है पूरा, और 2 ट्रॉली लेके जा रहे, एक ये एक ये। तो गाइज फाइनली जाके आज वो दिन आ गया दुबई जाने का दिन। तो पता ही है दिल्ली में इतना भयंकर गर्मी है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ झालमुड़ी, ठीक है। तो अभी ना हम सोच रहे थे कि फ्राइड राइस ये सब बना के लेके जाए, पर अभी अभी खाना खाया है तो इसलिए मन नहीं कर रहा अभी वो बनाने का। तो चलो हाँ हो गया, बस तिमी बस मम्मी बस तिमी जाऊ न अन्त सिट बेल्ट लाउनु पर्छ र साह्रो गाह्रो लाग्छ अगाडि बस्नु। तँ कितना मिस गरी नै गरौँ अभी हम दोनों अलग हो जाएगा, बस थोड़ा सा बच्चा है एयरपोर्ट पहुँचने में, बस थोड़ा सा, उसके बाद 2 साल के लिए अलग, वैसे 2 साल के लिए नहीं है, बीच बीच पे मिलते रहेंगे। तो गाइस अभी मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ, बहुत बुरा लग रहा है और बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है अभी, क्योंकि बहुत अच्छे से रहना ठीक है, और दुख के साथ ये पासपोर्ट और वीज़ा मिस पूजा को देना चाहूँगी, क्योंकि दुबई में नहीं पूजा जा रही है, तो अभी तो मैं आप लोगों को पता नहीं था मैं नहीं जा रही हूँ पूजा जा रही है, लेकिन हाँ थोड़ा पास में आओ दुबई जाके मेरे लिए टिकट कर देगा ना। हाँ तो चली गई मेरी बहना, मेरा प्यारा बहना, दुख के साथ बाय बाय करना पड़ रहा है अपने, तुझे कौन बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं बहुत जल्दी मैं भी दुबई जाऊंगी। अब तो बस बहाना मिल गया गाइस, पहले तो मैं ऐसे ही सोचती थी मतलब क्यों जाऊँ ऐसे, अब तो बस बहाना मिल गया कि बस अभी तो ये करूँगी कि मेरा सिस्टर है वहाँ पे करके कभी भी जा सकती, बस पैसा होना चाहिए। अपने दोस्त को भाई बोलने में क्या लग रहा है, मैं तो लग रहा है कि लटक जाओ पीछे ट्रॉली में इसके, कुछ हो लेकिन है ना वो भी अब मतलब उसका लाइफ का क्या बोलते हैं एक नया शुरुआत है। हाँ आज अब अभी से अपना वहाँ पे एक सेटअप करेगी, बढ़िया से काम करेगी। पूजा हाय
जैसा आप लोग देख सकते हो हालत गर्मी से, देखो एक ये बंदा इधर गिरा है, दूसरा बंदा किधर है, दूसरा बंदा किधर है, एक इधर है बंदा। एसी ऑन है फिर भी गर्मी हो रहा है इतना ज्यादा ना।